हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कृपया विराजमान हो जाइए। आई एम लुकिंग गुड। थैंक यू। देखा आपने क्या होस्ट हैंडसम हो, स्मार्ट हो, हाँ। पब्लिक के पैसे वसूल रहते हैं, खुश रहती पब्लिक। पर शो ही नहीं, आप देखो जितने भी हॉस्पिटैलिटी वाले बिजनेस होते हैं ना, वहाँ होस्ट जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप कभी गौर करना, भी किसी बड़े बिल्डर के सेल्स ऑफिस में जाओ ना, एक लड़की आएगी सूट में या यू नो साड़ी में खूबसूरत, हाउ मे हेल्प यू सर, मैं फ्लैट देखना था। तो फ्लैट से पहले पूछेगी, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी और टी सर। आदमी उस कॉफी के चक्कर में ना फ्लैट तो खरीदता ही खरीदता है, पार्किंग के भी 10 लाख दे बैठता है। 10 लाख पार्किंग का दे दिया, गाड़ी भले उसके बाद 2.5 लाख वाली हो, फिर वो जो कॉफी पिलाई होती ना साड़ी वाली ने, वो सारी उम्र उसके पेट में गैस करती है। वहीं आप किसी लोकल ब्रोकर के ऑफिस चले जाओ, वो मिलता ही नहीं क्योंकि सारे काम खुद ही कर रहा होता है, और उसका लड़का बैठा होता है जो मोटरसाइकिल की चाबी से अपना गुटका निकाल रहा था। हाँ जी मैडम, साथ तो है नहीं अभी, बैठो ना इधर। आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में चले जाओ, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी देखो, आप वेटर नहीं मैनेजर खुद आएगा, वेलकम सर, प्लीज कम सर, दिस इज फॉर यू सर, सीट उसकी कुर्सी निकालते हैं। अच्छा, जो आदमी सूप पीने आता है ना, वो भी बटर चिकन ऑर्डर कर देता है, टिप में भी 100-200 दे के जाता है, क्योंकि सेवा इतनी हुई। यहीं आप चले जाओ कहीं सड़क के किनारे जो ढाबे बने होते हैं ना, वहां पे हॉस्पिटैलिटी की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली होती। सारे वेटर इधर उधर भाग रहे होते हैं, आदमी परेशान होता है, ऑर्डर किसको दूं, एक को बोलता है भाई साहब सुनिए, वो आगे बोलता है भाई साहब की सुनना, वो आदमी बड़ी बेइज्जती से फील करता है। फिर बेचारा ना खुद ही कोई कुर्सी ढूंढ के ना बैठ जाता है, फिर जो भी वेटर निकलता है उसको स्माइल करता है कि शायद सुने हाय। फिर वो दूर जो मालिक बैठा था ना गल्ले पे, उसको इशारों में बात कर रहा था, वो भी दूर से इशारे करता, भीड़ बहुत है ऐसे बताता है, वो फिर लगा होता है, फ्लाइट है मेरी। हमारे गांव खेड़ों में कोई मेहमान आ जाए ना, उसकी मेजबानी बड़ी कमाल की करते हैं, ये खाओ वो खाओ, पहले पहले तो मेजबान हाथ जोड़ रहा होता है, फिर एक टाइम आता है मेहमान हाथ जोड़ता है कि बस कर भाई, मैं इतना नहीं खा सकता, इतना ख्याल रखते हैं। मुंबई जैसे शहर में ना तो जगह है ना ही लोगों के पास टाइम है, तो मेहमान आता है ना पार्टी में, खुद ही बुलाया होता है, खुद ही बोल देते सो गुड टू सी यू, फील एट होम, उसका मतलब होता है कि जैसे अपने घर में खुद चीजें उठाता है, यहाँ पे भी खुद उठाना, हम नहीं तेरे बाप के नौकर नहीं लगे हुए। कुछ घरों में जब पार्टी होस्ट करते हैं ना, तो वहाँ गेस्ट आने से पहले बड़ा सजा के रखते हैं घर, कटलरी सेट ये वो सब, ड्राई फ्रूट बगा के, और फोन भी करते हैं, हाँ आपको एड्रेस पूछने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ड्राइवर भेजू, नहीं, बड़ा कायदे से करते हैं। कुछ लोग ज्यादा फ्रैंक हो जाते हैं गेस्ट के साथ, हाँ किधर पहुंचे, जेपी रोड, अच्छा सुनना वहां पे मंगल कचौरी वाले से 20 कचौरी लेते आना, और सुन ड्रिंक कौन सी पिएगा, वो आदमी बोलता नहीं नहीं मेरा क्या, जीजा जी बिलासपुर से आया हूँ मैं, तो आ ही नहीं रहा, उसको पता है जो कचौरी मैं खाता नहीं वो भी मुझसे मंगवा रहा है, अगर मैंने इसको ड्रिंक बता दी ये तो बेवड़ा 6 बोतल मेरे से ऑर्डर करेगा। हॉस्पिटैलिटी जो है कितनी इंपॉर्टेंट है, आप देखो एयर होस्टेस को देख लो आप, प्लेन में जाओ कितने प्यार से स्वागत, बीवियां नहीं करती इतना स्वागत, हेलो सर, वेलकम टू द एयरलाइन सर। गरीब आदमी के पैसे वहीं वसूल हो जाते हैं पूरे, उसके बाद जब जहाज उड़ता है ना, टर्बुलेंस होती है, तो आदमी को घबराहट होती है, वो फिर आके पास पूछती है मे हेल्प यू सर, उसी से वो शांत हो जाता है, और कई साल तक मे हेल्प यू सर सोच सोच के जिंदगी काट देता है। टीवी शोज आप देखो, टीवी शोज में होस्ट का सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप देखो पहले कृषि दर्शन प्रोग्राम आता था, जिसमें वो खेती बाड़ी के बारे में बताते थे ना, उसमें होस्ट ऐसा होता था जो खेती बाड़ी के बारे में जानता हो, उसको पहनाते भी धोती कुर्ता थे ताकि लगे कि सीधा खेत से आया, वो अलग बात है, अंदर एसी स्टूडियो में बैठ के उसके घुटनों पे कपास जम जाती थी। कहने का मतलब ये है कि जैसा प्रोग्राम होता है वैसा ही होस्ट होता है, इसलिए आज हमने अपने शो पे गेस्ट नहीं होस्ट बुलाए हैं, 5 ब्यूटीफुल होस्ट आज हमारी गेस्ट है, चलिए उन्हें मंच पे बुलाते हैं, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम रेणुका शाहने जी, मिनी माथुर, ऋचा अनिरुद्ध, दीप्ति भटनागर और परिजात कोला मार्शल, परिजात के लिए जोरदार तालियां हो जाए, हाय परी, वेलकम वेलकम दोस्तों, जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे
आज की मेहमानों के लिए। रेणुका जी, मिनी जी, ऋचा जी, दीप्ति जी, परिजाद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, इसमें परिजाद हमारे शो पे पहली बार आई हैं, दीप्ति जी पहली बार आई हैं, ऋचा जी पहली बार आई हैं, मिनी जी पहली बार आई हैं, रेणुका जी तीसरी बार आई हैं। इसलिए नहीं ज्यादा स्माइल कर रही, इनकी स्माइल वैसे बड़ी खूबसूरत है, हमेशा मुस्कुराती रहती है। हमने तो ये भी सुना है, कहते हैं आशुतोष सर ने कभी किसी को स्माइली भेजना हो ना व्हाट्सएप पे, तो वो रेडीमेड वाला जो फोन में होता है वो नहीं भेजते, वो आपकी फोटो भेजते हैं। फोटो भेजते, मुझे लगा मुझे ही भेजते। मिनी जी को आप सब जानते हैं, ये वीजे हैं, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, बड़े बड़े म्यूजिक इवेंट्स होस्ट किए हैं, ब्रायन एडम्स, रिचर्ड गेयर जैसे इंटरनेशनल स्टार्स के साथ ये इंटरव्यू कर चुके हैं। सोनी के साथ इनका रिश्ता इतना पुराना है कि इंडियन आइडल के पहले दो सीजन इन्होंने ही होस्ट किए हैं, और यहाँ तक कि हमारे देश के जाने माने डायरेक्टर कबीर खान का ये डेली इंटरव्यू करती हैं। कहाँ थे तुम, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, मतलब इनके हस्बैंड हैं। सो जोरदार तालियां मैम, क्या बात है। आपने सैकड़ों लोगों को होस्ट किया है, आज आप खुद गेस्ट बन के आई, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे इतनी रिलीफ महसूस हो रही है, पहली बार मैं एक शूट पे आई हूँ जहाँ मुझे स्क्रिप्ट नहीं पढ़ना पड़ा, याद नहीं करनी पड़ी लाइनें, रिसर्च नहीं करना पड़ा, इट वाज लवली, इट्स अ स्पा फॉर द माइंड। ओह वाओ, वेलकम मैम, आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। आपने इतने बड़े बड़े काम कर लिए, इतने बड़े बड़े शोज कर लिए, अब आपको लगता नहीं है मिनी माथुर चेंज करके लार्ज माथुर बोलना चाहिए? मुझे बहुत बार कहा गया है कि अब आप मेजर माथुर या मैक्सी माथुर हो जाएं, लेकिन वो बहुत अब क्लीशे हो गया है। आई थिंक मैं हो रही हूँ मेजर मैक्सी। नॉट एट ऑल। ऋचा जी बैठी हैं प्यारी स्माइल के साथ, जानी मानी टॉक शो होस्ट हैं, जिंदगी लाइव नाम का इनका शो, बड़ा पॉपुलर शो आता है। एक तो ये दिखती इतनी प्यारी हैं, ऊपर से इतने प्यार से सवाल पूछती हैं ना कि बताने वाला कभी कभी अपना OTP पिन भी बता देता है इनको। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने बड़े सारे सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू किया, एक बार तो इन्होंने आदरणीय श्री कपिल शर्मा जी का इंटरव्यू लिया। नौ या दस की बात होगी। उस समय आपने सोचा था जिस बंदे का आप इंटरव्यू कर रही हैं ये एक दिन अपना शो बनाएगा, इतना बड़ा आदमी बन जाएगा? और इतना बड़ा आदमी तो क्या है, मतलब ये आपका प्यार है, आप ऐसा बोल रही हैं? इतना बड़ा, हाँ, यस। अरे मुझसे भी बड़े बड़े थे, लोग खा गए उनको। परिजात, यू नो हुम आई एम टॉकिंग अबाउट? There was a person very handsome, Mr. Navjot Singh Sidhu was a cricketer also. How can we ever forget him? Yeah, she ate him without sauce. Oh my God! Deepti ji बैठी हुई हैं, Deepti Bhatnagar किसी जान पहचान की मोहताज नहीं, इतनी कमाल की एक्ट्रेस, मॉडल के साथ साथ टीवी पर यात्रा नाम से इनका फेमस शो भी आया करता था, yes. जिसमें ये धार्मिक जगहों पर ले जाती थी, तो आपको क्या लगता है आज आपको उसी का पुण्य मिला है? आप बहुत प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह। थैंक यू। आपसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई, पता, मैं जब से बॉम्बे आया हूँ, मैं जैसे मिनी जी से मिला हूँ, ऋचा जी से मिला हूँ, परिजात के साथ तो मैंने पहला शो ही शुरू किया था। आप मैं क्योंकि घूमती रहती हूँ। हाँ। सब जानते हो कि मैं ट्रैवल शो भी होस्ट करती हूँ, तो आई नो आपने, मैंने अराउंड 90 कंट्रीज शूट की, ऑलमोस्ट मैं बोलती हूँ जिस रूप में ईश्वर इस धरती पर वास करते हैं, तो मैं उन सब जगह पर जाकर वहाँ मैं माथा टेक कर आई हूँ, तो मैं घूमती रहती हूँ। 90 से ज्यादा देश ये घूम चुकी हैं। आपका सच्ची शो बनाने का मन था कि दूसरों के खर्चे पे घूमने का मन था? So they say that it's the best job, you know, travel show hosting is the best job. You get paid to travel. Yeah. ये तो आपका बड़प्पन, आप ऐसा बोल रही हैं, फिर भी ट्रैवल तो करना पड़ता है ना, घर से सूटकेस लेके जाओ। कई लोगों की तो ऐसी नौकरियां लगी हैं, मतलब कहीं जाते ही नहीं, बैठे रहते हैं उधर ही, बैठे बैठे छाप रहे हैं। अरे मौत से आती हूं यार। नहीं करेंगी, मतलब देखो अपनी अपनी किस्मत है। मौत से इतनी दूर से आती हूँ यहाँ पर, बहुत अच्छा, उतना भी ना करना भैया, मठ में सेट लगा लें, का पानी में सेट लगा दें, फ्लोटिंग शो करें। पर दीप्ति जी, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, जब आप ये शो करती थी ना यात्रा, मैंने बड़े सारे लोग देखे हैं जो मेरे सामने गोवा की टिकट बुक कर रहे थे, आपको देखा हरिद्वार गई हुई, वो कैंसिल करा के हरिद्वार चले जाते थे। फरीदाबाद को मैं लाफ्टर चैलेंज के टाइम से जानता हूँ, पहला ही मेरी जिंदगी का शो जब मैं मुंबई आया और फरीदाबाद उसमें होस्ट थी, वो अलग बात है, जब मेरी परफॉर्मेंस होने लगी पता चला फरीदाबाद थी नहीं, तो फरीदाबाद मम्मी बनने वाली थी उस समय, मम्मी बन चुकी थी एक्चुअली,
दो तीन महीने की बेबी थी आपकी, कहाँ है वो आज यहाँ? ये इतनी बड़ी हो गई, 15 साल की। वाह, परिजात में कोई फर्क नहीं आया, 16-17 साल में वैसी की वैसी है। ये आप टाउन साइड वालों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता सर। एक्चुअली आपके शो देख देख के आई हैव बीन लाफिंग लाफिंग एंड सी द कोर मसल्स स्ट्रांग हो गए हजर्स। यस, पर सीरियसली मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि यहाँ पे मैं आपके शो पे बैठी हूँ। थैंक यू परी। हमारी शुरुआत हुई थी लाफ्टर चैलेंज शो के मंच पर एंड आई स्टिल रिमेम्बर द डे आई वाज होल्डिंग द माइक एंड इंट्रोड्यूसिंग कपिल शर्मा ऑन स्टेज एंड टुडे आफ्टर सो मेनी इयर्स जब उन्होंने मेरा नाम लिया तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। सीरियसली मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। अब सोचो कि मुझे कितना गर्व महसूस हो रहा होगा क्योंकि कॉमेडी सर्कस में कोई और इंट्रोड्यूस कर रहा था कपिल शर्मा को और मैं पूछ रही थी कौन है। ओह सो नाइस, क्या बात है। आपको मजा आता है सब सोच के? आपको बार बार आपका पास्ट याद दिलाया जा रहा है। आप इतनी औरतों के साथ आ रहे, आप सोच समझ के लाए ना पे क्वेश्चंस पे। बहुत सारी नारी नहीं लगता है नर्वस होता है, पर अर्चना जी हैं साथ में तो मुझे ऐसा कुछ मतलब मेरी पहचान वाली औरत भी तो बैठी है। लेकिन तूने सारे होस्ट को बुला ले, सबसे पहले फीमेल होस्ट तो मैं थी। एग्जैक्टली, आई वाज जस्ट गोइंग टू से शी इज द ओजी गाइस, ओरिजिनल तो आपके सामने है। वाओ अर्चना जी, कोई काम नहीं छोड़ा ना आपने। अच्छा परी, मुझे अब भी याद है जब ये शो होस्ट करती थी ना, इनको देख के सिद्धू साहब ने पहली बार जज बनने के लिए हाँ की थी। हाँ, नहीं तो उनका कमेंट्री का काम ठीक ठाक चल रहा था उस समय, हमारे अमृतसर के एमपी भी थे। परिजात बुलाती थी फिर ही सिद्धू साहब आते थे। एक बार बुला के दिखाओ ना परी कैसे आते थे सिद्धू साहब। खबरदार, वो बुलाने पर आ भी जाते, मत बुलाना। देखो कितनी इनसिक्योरिटी हो रही है इनको। जो हंसते हैं और सबको हंसाते हैं, प्लीज वेलकम नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू जी ने अपने कजन है नीचे भेजे हैं, देखिए मोंटी जी हाथ खड़ा करिए। हेलो, बाय बाय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।